भाई, दुनिया में जब लोग कायर हो जाते हैं, जिनमें क्षमता नहीं रह जाती है, तो सुसाइड करते हैं। सुसाइड को हम लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या मतलब अपनी हत्या करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप करना है हत्या, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है जब आप आदमी आत्महत्या करता है। अभी करंट में कोई बहुत बड़े एक्टर, उनकी डेथ हो, सुसाइड कर लिया है, बड़ा नाम चल रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, ऐसे सेल भी सुसाइड करती है। तो सेल किसके द्वारा सुसाइड करती है? जैसे व्यक्ति जो है फांसी लगा के चढ़ता है, फिर क्या कुएं में कूद जाऊंगी, गाना सुना होगा, कुएं में कूद जाऊंगी, रेल के सामने मर रहे, कहीं भी मर रहे, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे ही सेल भी सुसाइड करती है। और जब सेल सुसाइड करते हैं तो उसके पास जो बीपल्स हैं, उसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। यहाँ पर लाइसो का मतलब जो है, अगर आप लाइसो का मतलब समझिए, तो यहाँ लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव होता है। लाइसो माने डाइजेस्टिव होता है और सोमा माने बॉडी होती है। अगर आप इसका पूरा मतलब समझें तो इसका शुद्ध मीनिंग हुआ डाइजेस्टिव बॉडी। बेटा यही तो है सेल में, जिसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, मतलब अगर सेल को भी सुसाइड करनी है तो नेचर ने उसे भी एक खास तरह का वीपन दिया है, लाइसोसोम जैसा। कहा कि अगर तुम्हें सुसाइड करना है तो तुम लाइसोसोम की हेल्प से सुसाइड कर सकती हो। लेकिन किस कंडीशन में आदमी सुसाइड करता है? जब परिस्थितियां उसके बियॉन्ड चली जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस उससे बियॉन्ड चली जाती है, तो आदमी सुसाइड कर लेता है। ठीक सेल के साथ भी है। सेल के साथ अगर इसको कोई पैथोजन अफेक्ट करता है और सेल को लगता है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तब भी ये जो है सुसाइड करती है। आइए देखा जाए, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं इसे। आइए सीधे डिस्कवरी की बात करते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो ये देखिए, डिस्कवरी की बात करें तो लिखिए डिस्कवर्ड बाई वैज्ञानिक का नाम लिखिए। डिस्कवर्ड बाई वैज्ञानिक का नाम है सी डी दुबे। ये वैज्ञानिक है सी डी दुबे। सबसे पहले इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी। आपको दुबे टर्म देख के कहीं फीलिंग ना आ जाए कि ये इंडियन है, मैं आपको बता दूं ये क्रिश्चियन है और बेल्जियम के साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। अब इसके बारे में पहली बात जान लें कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसका ध्यान रखना है आपको, मतलब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ये लिख लीजिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। डिस्कवरी इसकी सी डी दुबे ने किया। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें कि किस सेल में ये ज्यादा पाया जाता है, तो अकरेंस में लिखिए अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप कहेंगे सर ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा कमेंट लिखेंगे प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें पड़ा हुआ है ये, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या सारी सेल्स में पड़ा हुआ है? ये देखिए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्टली दो सेल्स, ज्यादातर उन सेल्स में मोस्टली दो सेल्स परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। ऐसे सेल्स में ज्यादा पाया जाता है जो सेल्स कैप्चर एंड किलिंग का काम करती हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आपने लिखा है अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, यहां पे थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखें, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि ये स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो ये देखिए ये सेल वॉल है। आप कहिए जी सर मुझे तो भी पता है कि सेल वॉल है। आपने कहा सर ये इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने कहा अच्छा। फिर आपने कहा सर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है जहां पर इसके एंजाइम्स पड़े होते हैं। इस स्पेस का नाम अगर देखा जाए तो इस स्पेस का नाम है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या नाम है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है, इसके पास एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स हैं।
लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं, ध्यान रखें लाइसोसोम का स्ट्रक्चर नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको, ये बात समझनी है आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है बाहर, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, और उस स्पेस में जो है, उस स्पेस में जो है लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम स्ट्रक्चर नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये देखिए, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो है इस कंडीशन में। अभी आपने लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में वून सेल्स में ज्यादातर पाया जाता है जो सेल्स फेगोसाइटोसिस करती है। तो आइए देखा जाए कि यूकैरियोटिक कौन कौन सी सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स देखें कि कौन कौन सी सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं। आप अक्सर कहते हैं अरे सर ये सेल फेगोसाइटोसिस करती है, कभी आपने ये बात गौर नहीं की कि वो सेल फेगोसाइटोसिस क्यों करती है। पहली बात तो आप फेगोसाइटोसिस माने समझिए कैप्चर एंड किलिंग होता है। तो ये ज्यादातर उन सेल्स में पाया जाता है जो सेल्स फेगोसाइटोसिस करती हैं। तो फेगोसाइटोसिस करने वाली यूकैरियोटिक कौन कौन सी सेल्स हैं? नाम लिखिए, सबसे पहला नाम लिखिए कफर सेल है। अगर मैं आपसे पूछूं कहां पे है, आप क्लास 11th में हैं, आपको अपने दिमाग को परेशान नहीं करना है, आपको सीखना है सर ये लीवर में है। आप पूछेंगे क्या करती हैं, मैं कह रहा हूं कि जो जो आरबीसी मर गई हैं, जो बेकार आरबीसी हैं, जो बेकार कोई सेल है उसको ये कैप्चर और किल करके खत्म कर देती हैं। आपने पढ़ा होगा लीवर ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, तो अगर किसी का लीवर खराब है, उसमें ब्लड उसका गंदा है, गंदे मतलब उसमें कोई सेल बेकार है, तो ये कफर सेल उसे किल कर देती है। तो इन कफर सेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, इनमें मेनली पाया जाता है वो ऑर्गेनेल जिसका नाम यहाँ पर लिखा है लाइसोसोम। दूसरा आप देखिए कफर सेल के बाद दूसरी सेल्स जो है उनको डस्ट सेल्स कहते हैं। तो अब डस्ट सेल्स से अगर आप याद आना हो तो ये फेफड़े में पाई जाती हैं। ये देखिए चौक है, हम इससे लिख रहे हैं, तो जब चौक लिख रहे हैं तो इससे डस्ट अंदर जा रही है, हम जब इनहेल कर रहे हैं तो डस्ट अंदर जा रही है, तो जब ये डस्ट अंदर जाती होगी तो ये एक तरह का फॉरेन पार्टिकल है, इसको लंग्स में किल करने का काम ये डस्ट सेल्स करती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए बेटा और ये सेल्स हैं, चिंता ना करें ढेर सारी सेल्स हैं। ये देखिए स्प्लीनोसाइट्स, ये स्प्लीन में पाई जाती हैं। आपको पता होगा स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन को मैं पूरी बात लिख देता हूं, इसे हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? क्योंकि ये जो है स्प्लीन, जो बेकार आरबीसी है, जिसने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है 4-3 महीने का, 120 दिन का सॉरी 4 महीने का, वो उसे किल कर देती हैं। तो स्प्लीनोसाइट जो लीवर में पाई जाती है, सॉरी स्प्लीन में पाई जाती है, इनमें भी जो है क्या कहते हैं लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। बेटा ये देखो सर्टोली सेल्स, तो अगर आप सर्टोली सेल्स को देख रहे हैं तो ये सर्टोली सेल टेस्टिस पे पाई जाती है। क्या कर रही है? जो स्पर्म बेकार हो गए हैं टेस्टिस में उनको किल कर दे रही है, मतलब टेस्टिस की सफाई करती है। और देखिए और आप देखिए मैक्रोफेजेस हैं, ये देखिए मैक्रोफेजेस हैं, लिख लीजिए लिम्फोसाइट्स हैं। ये जो सेल्स हैं ये ब्लड के प्लाज्मा में पड़ी हुई हैं, और आपने पढ़ा होगा कि ये जो भी जो है कैप्चर एंड किलिंग का काम करती हैं, ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए एक सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, नाम तो सुना ही होगा, इसे बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कहती हैं। ये बॉडी की वो सेल्स हैं, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कहते हैं, ये बॉडी की वो सेल्स हैं जो कैप्चर एंड किलिंग का काम करती हैं। और इन सारी सेल्स में सबसे ज्यादा कौन सा सेल वो पाया जाता है, क्या कहते हैं सबसे ज्यादा कौन सा सेल आर्गेनेल पाया जाता है? इसे पाया जाता है लाइसोसोम, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इनमें लाइसोसोम एबंडेंटली पाया जाता है, लाइसोसोम इनमें जो ये लाइसोसोम है ये एबंडेंटली पाया जाता है, एबंडेंट है, ये बात आपको सीखनी है, लाइसोसोम इससे बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, पहले डिस्कवरी पढ़ा दी, अकरेंस पढ़ा दिया, फिर हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में उन सेल्स पे ज्यादा पाया जा रहा है जो सेल्स कैप्चर और किलिंग का काम करती है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले कमेंट लिखिए कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर्गेनेल है।
अगर आप किसी सेल में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी सेल में इसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे दिखाई पड़ेगी, ये देखिए आप ऐसे इसको घुमा दीजिए, कोई सेल बना दीजिए, इस सेल के अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, ऐसे कहीं आपको एक लाइसोसोम दिखाई पड़ेगा। अगर आप इस लाइसोसोम को बाहर दिखा रहे हैं तो ये ऐसे दिखाई पड़ता है। ये इसका जो स्पेस है बीच में, जो इसके बीच में स्पेस है, जो इसके बीच में स्पेस है, इसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ये जो जगह है, इस ल्यूमेन का जो पीएच है ये 5 है, लिखिए ल्यूमेन का जो पीएच है वो 5 है, मतलब इसमें जो है एसिडिक पीएच होता है। पीएच 5 कैसा पीएच होता है? एसिडिक पीएच होता है। ये देखिए इसका जो पीएच है एसिडिक पीएच है। इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं। कौन से पंप लगे हैं? हाइड्रोजन पंप। देखिए एक्टिव, मैं लिख देता हूं, एक्टिव हाइड्रोजन पंप मेंटेन्स इट्स पीएच, मेंटेन्स इट्स पीएच। एक्टिव हाइड्रोजन पंप लिखा है आपने। इसमें 50 एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम पाए जाते हैं, 50 एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम पाए जाते हैं। ये देखिए ये सारे एंजाइम हमेशा एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। किस पीएच पे एक्टिव रहते हैं? एसिडिक पीएच पे। फिर सारी बातें सुन लें, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एक सिंगल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इसके पीएच जो बीच का स्पेस है उसे ल्यूमेन कहते हैं, उसका पीएच 5 होता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है, और इसके अंदर इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए इसके मेम्ब्रेन पे एक्टिव हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं। ये हाइड्रोजन पंप लगे हैं, जरूरत पड़ने पर ये अंदर का पीएच एसिडिक बनाते हैं, और इसके अंदर 50 अलग अलग तरह के एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम हमेशा एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, इसका पीएच अंदर का 5 है, इस पीएच को एक्टिव हाइड्रोजन पंप मेंटेन करते हैं, इसे 50 तरह के एंजाइम्स हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? देखिए अगर हम एक तरफ लिखे कि ये एंजाइम्स हैं और इस सब्सट्रेट पे काम करते हैं, मतलब ये सारे एंजाइम इसी के अंदर पाए जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। जैसे पहला एंजाइम आप देखिए, पहला एंजाइम है जिसका नाम प्रोटीएज है, आपसे किसी को से पूछना नहीं है, ये प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, मतलब सेल के अंदर अगर कहीं प्रोटीन है और ये बर्स्ट कर जाए तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए एक एंजाइम है जिसको नाम लाइपेज है, तो किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, किसी भी तरह की लिपिड होगी सबको डाइजेस्ट कर देगा। ये देखिए कार्बोहाइड्रेजेस है, ये एक एंजाइम नहीं है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, तो ये देखिए किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो इसके पास ऐसे ढेर सारे, और भी देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देगा, और देख लीजिए न्यूक्लियेजेस में देखिए किसको डाइजेस्ट कर देगा? न्यूक्लियेजेस जो है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स इसके पास पड़े हुए हैं। और भी देखिए ग्लाइकोसाइडेजेस हैं, ये किसको डाइजेस्ट कर देगा? आप याद रखिए ग्लाइकोसाइड्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये किसी न किसी चीज को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के 50 एसिड हाइड्रोलाइजेस इस ल्यूमेन के अंदर पड़े हुए हैं। अगर हम इससे आपकी ओरिजिन पूछे कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ओरिजिन की बात की जाए, तो आप कहेंगे सर देखिए ओरिजिन तो मुझे ये समझ में आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता होगा। सीधा देखिए, सीधी बात न बकवास, ओरिजिन हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब आप इसके बेटा टाइप्स देख लीजिए। अगर आप इसके टाइप्स देख रहे हैं, ऐसे टाइप्स लिखिए, तो सबसे पहली बात लिख दीजिए कि पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। पॉलीमॉर्फिक मतलब सेल ऑर्गेनेल मतलब क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल मतलब हुआ जिसके सेल में कई अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, ये देखना है आपको। कौन कौन से नाम है देखिए, पहला नाम है इसमें जो आपको पढ़ना है प्राइमरी लाइसोसोम पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको सेकेंडरी लाइसोसोम्स पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है आपको बेटा देखिए रेसिडुअल बॉडीज पढ़नी है, और चौथा जो लास्ट पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोफेगोसोम। अब आपको किसी एक सेल में चारों टाइप पढ़ने हैं, एक ही सेल में चारों टाइप मिलते हैं, ये देखिए।
कौन कौन से टाइप, नाम देख लीजिए। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा है रेसिडुअल बॉडीज, चौथे का नाम है ऑटोफेगोसोम। इसी प्राइमरी लाइसोसोम का दूसरा नाम प्रोटियो लाइसोसोम है, प्रोटियो लाइसोसोम्स हैं। आइए बिना बात किए हम लोग शेल में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉलीमॉर्फिक सेलर्नेल है, इसका ध्यान रखना है आपको, याद करने लेना है, किसी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। आइए देखा जाए, सबसे पहले लिखा जाए प्राइमरी लाइसोसोम्स, लिखिए हेडिंग बनाइए प्राइमरी लाइसोसोम्स। फिगर बनाते हैं, बिना फिगर बनाए काम चलने वाला नहीं है, एक फिगर से हम लोग सब कुछ सीख लेंगे। ये फिगर है जिसमें हम लाइसोसोम के चारों टाइप देखना चाहते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में सबसे पहले आप किसी एक किनारे न्यूक्लियस बना दें, क्योंकि न्यूक्लियस बिना बनाए काम तो हमारा चलना नहीं है, तो न्यूक्लियस हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो न्यूक्लियस से ही है ना भाई। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे इसमें क्रोमेटिन वगैरह बना दिया, इसका डिटेल हम लोग कभी आगे सीखेंगे ही। फिर आप ये देखिए, आपने यहाँ पर बनाया सर, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपने इसमें रफ स्मूथ पढ़ाई है दो चीजें। हमने कहा यार पढ़ाया तो है मैंने। फिर आपने कहा सर इसमें देखिए, आपने बताया कि राइबोसोम पाए जाते हैं, जहां पाया जाता है उसे रफ कहते हैं, उसको जाने देते हैं, सीधे आते हैं। ये देखिए ये गॉल्गी बॉडी है, मतलब ऐसे लिख देते ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर ऐसे लिख दे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्ट्रक्चर है जिसे गॉल्गी बॉडी कहते हैं, लेकिन हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स को। तो इस गॉल्गी बॉडी के ट्रांसफेस से यहां से सबसे पहले लाइसोसोम की ओरिजिन होती है। आपने ऊपर लिखा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी इसका चांस है, और दूसरा चांस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी बनती है, और गॉल्गी बॉडी से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए दो भी चांस है, हो सकता है अगर गॉल्गी बॉडी ना हो तब भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाए, दोनों चांसेस है। तो गॉल्गी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहां देखिए तो गॉल्गी बॉडी से जो सबसे पहले लाइसोसोम बनता है, जो पहला लाइसोसोम बनता है, ये देखिए इन्हें हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, मतलब गॉल्गी बॉडी से जो पहला बनता है ये देखिए। तो अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिए ये देखिए पहला कमेंट लिखिए फॉर्ड बाई बडिंग फ्रॉम गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी से यह बडिंग के द्वारा बनता है, गॉल्गी बॉडी से बडिंग के द्वारा बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम अभी हमने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम प्रोटियो लाइसोसोम है। प्रोटियो लाइसोसोम्स इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चे, ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसके जो एंजाइम्स हैं, ये जो इसमें एंजाइम्स पड़े हुए हैं, ये एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये एंजाइम्स किसी भी चीज को किल नहीं कर सकते हैं। एंजाइम्स इनएक्टिव होने के कारण हम इन्हें प्रोटियो लाइसोसोम्स कहते हैं। तो मतलब प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी सेल को किल नहीं कर सकते हैं। ये जो आपके सामने तीन चार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। ये चारों के चारों स्ट्रक्चर प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं जो गॉल्गी बॉडी से सबसे पहले बनते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप इसका दूसरा टाइप देखिए तो दूसरा जो टाइप होता है उसे सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अगर आप सेकेंडरी लाइसोसोम्स देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसका नाम सेकेंडरी लाइसोसोम्स होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये देखिए एक ही सेल के अंदर दूसरा दिखाई पड़ा, आप ऐसे कह सकते हैं प्लाज्मी लाइसोसोम के फ्यूजन से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। आप यहां लिख दीजिए फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम के फ्यूजन से सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। आप लिखिए ना कि इनके जो एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स एक्टिव एंजाइम्स हैं, मतलब ये सेकेंडरी लाइसोसोम सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस सेल में अगर कोई भी बाहर से पैथोजन की एंट्री होती है तो सेकेंडरी लाइसोसोम उसे किल कर देगा। तीसरा देखिए, इसी सेकेंडरी लाइसोसोम का एक नाम और है, इसे हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एनसीईआरटी ने चार लाइन में निपटा दिया है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में इसलिए सीख रहे हैं कि हम जब ज्यादा सीखेंगे तब हमें कम आएगा। 90% रूल चलता है, जितना आप सीखते हैं उसका 10% ही आप रिटेन कर पाते हैं और सब छूट जाता है। तीसरा देखिए, इसका जो तीसरा टाइप है उसे हम लोग रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं।
ध्यान रखिए, नहीं आप बूढ़े हो जाएंगे, ध्यान नहीं दिया आपने। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे। मतलब रेसिडुअल बॉडीज जो है इससे बूढ़ापन आता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ापन आता है। क्या है रेसिडुअल बॉडीज? ये बात आप सीखें कि मान लीजिए कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जो इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या वायरस है जो इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, किल कर देगा। तो किल, ये सेकेंडरी लाइसोसोम किल कर देगा। तो सेकेंडरी लाइसोसोम किल करने के बाद ये जो कचरा है इसको सेल के बाहर जाना चाहिए। लेकिन होता यह है, होता यह है कि अगर आपको रेसिडुअल बॉडीज का सीधे फार्मूला लिखना हो, कैसे लिखिए सर? रेसिडुअल बॉडीज मतलब ये हुआ, ये देखिए क्या लिखिए, सेकेंडरी लाइसोसोम्स प्लस अनडाइजेस्टेड बॉडी। अनडाइजेस्टेड बॉडी मतलब क्या हुआ कि ये जो कचरा सेल के अंदर आ रहा है, यही कचरा जब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर स्टोर हो जाता है, ये हमारा क्या था, सेकेंडरी लाइसोसोम था, और इसके अंदर स्टोर क्या हो गया, जब कचरा स्टोर हो गया तो इसी को अब हम लोगों ने रेसिडुअल बॉडीज कहा। इसे क्या कहा हमने? इसे हम लोगों ने रेसिडुअल बॉडी कहा। ये देखिए, तो जब ऐसे ही सेल के अंदर आप बताएं इस तरह से ढेर सारे कचरे इकट्ठा हो जाएंगे, ढेर सारी रेसिडुअल बॉडीज बढ़ जाएंगी, तो इस सेल का मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा? आप बोलेंगे सर स्लो हो जाएगा। और जब स्लो हो जाएगा तो आप लिखिए इस रेसिडुअल बॉडीज के कारण रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, इसके कारण बुढ़ापा आता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, रेसिडुअल बॉडीज कई बार पूछी जाती है कि कौन सा लाइसोसोम है जिसके कारण व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। आपको जवाब देना है सर ये रेसिडुअल बॉडीज है जिसके कारण व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। लास्ट वाला देखिए, इसका जो चौथा टाइप है इसे हम लोग ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। देखिए ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको देखना हो ऑटोफेगोसोम्स के बारे में, तो गांव में कहावत है कि जिस पत्तल में खाना उसी में छेद कर देना। मोटी मोटी बात समझिए, गांव में एक सिंपल से हर जगह कहावत है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद कर देना। तो अगर आपको ऑटोफेगोसोम्स के बारे में लिखना है तो एक लाइन लिखिए, they digest those area where they are found, जहां पर ये पाए जाते हैं उसी जगह को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। वेयर दे आर फाउंड, जिस जगह पर पाए जाएंगे उसी जगह को ये डाइजेस्ट कर देंगे। मैंने आपको कहावत सुना दी कि जिस पत्तल में खाना उसी में छेद कर देना, इनके लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन उससे भी सेल को प्रॉफिट है। सेल को क्या प्रॉफिट है, इसके फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी किसमें, अभी हम किसे पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं टाइप है। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपको मसूड़े निकल दांत निकलते हैं तो मसूड़े से खून नहीं आता है, तो उन मसूड़ों को डाइजेस्ट कौन करता होगा? कभी आपने सोचा, मसूड़ों से दांत निकल के बाहर आ जाता है लेकिन मसूड़े जो है उसे ब्लीडिंग नहीं होती है, तो मसूड़ों को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये ऑटोफेगोसोम्स करते हैं। ये ऑटोफेगोसोम्स मसूड़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं, दांत निकल के बाहर आ जाता है, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। ये है ऑटोफेगोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन देखा जाए तो इसका जो पहला फंक्शन है, ये देखिए पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। या आप ये बात कह सकते हैं कि इसका दूसरा मतलब हुआ सेलुलर डिफेंस। मतलब ये हुआ बेटा, ये देखिए आप सबने पढ़ा है कि हमारी बॉडी की जो WBC सेल्स हैं, मान लीजिए ये सेल है WBC, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका लाइसोसोम है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इस सेल पे ऐसे अटैक करता है, मान लीजिए कोई वायरस है जो इस सेल पे ऐसे अटैक कर रहा है, तो अब बताइए इस सेल क्या करेगी? उसको नमस्ते करेगी, आओ मेरी बॉडी में इंटर कर जाओ, ये वायरस है सोचिए। या ऐसे देख लीजिए, ये WBC है और हमारी बॉडी में कोई वायरस है जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो ये वायरस किसका बना है? अगर आप बहुत सिंपली सोचे तो इस वायरस के यहाँ पर RNA होगा, RNA को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, RNAs, और ये प्रोटीन, ये है कैप्सिड जो इसकी कोट है, ये कैप्सिड किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है। तो बताइए इसको, ये हमारी WBC है, इसके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज, और RNA को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम, RNAs। तो बताइए जिंदा रहेगा कि इस वायरस को ये किल कर देगी, इस वायरस को ये किल कर देगी। तो इससे सेलुलर डिफेंस आता है, मतलब जिन सेल्स के पास लाइसोसोम ज्यादा हैं वो हमारे जो है किसी भी पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। तो ये पहला हो गया फेगोसाइटोसिस।
दूसरा देखिए, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करती है। ये देखिए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां पे काम करती है, ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए अमीबा में। अगर आप अमीबा को देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमीबा में ये देखिए, ये अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम्स है, ये फूड है। तो जब फूड है तो होगा क्या, अगले फिगर में आप देखिए अमीबा इस फूड को सेल के अंदर ले आएगा, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये लाइसोसोम्स है, और फूड को हम मान लेते हैं इस कलर से बना देते हैं, फूड सेल के अंदर आ गया। नेक्स्ट फिगर में क्या होगा बताइए, नेक्स्ट फिगर में सिंपल सी बात है कि ये आपको अमीबा इसे दिखाई पड़ेगा, ये इसका न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, और ये हमारा फूड है, लाइसोसोम्स आएंगे इसके ऊपर अपने एंजाइम्स को स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये बचेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अमीबा के केस में फूड का डाइजेशन करती है, ऐसे लिख दीजिए फूड का डाइजेशन करती है, ये आपने लिख दिया फूड का डाइजेशन करती है। ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। अगर आप इसका तीसरा फंक्शन देखते हैं तो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। फर्टिलाइजेशन में कैसे मदद करती है इसको देख लीजिए, ये देखिए ऐसे लिख लीजिए हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। बनाइए फिगर, बनाइए सर ये ओबम है, ये क्या है ओबम है, लिख लिया आपने सर ओबम है। अगर हम आपसे पूछें ये क्या है तो आप कहेंगे सर हमको लग रहा है कि आप स्पर्म बनाना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल स्पर्म बनाना चाहते हैं। ये देखिए ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये इसका एक्रोसोम है, एक्रोसोम है, लिख दीजिए। यहाँ पर ढेर सारे एंजाइम्स पड़े हुए हैं, इन एंजाइम्स को हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स जब ये स्पर्म, दूसरे फिगर में देखिए ये ओबम है, जब ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा ऐसे 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 देखिए, तो ये स्पर्म क्या करेगा इसकी वाल को डाइजेस्ट कर देगा। तो अगले फिगर में आप देखेंगे कि ये स्पर्म जो होता है सेल के अंदर चला जाता है, ये देखिए, और स्पर्म की एंट्री हो जाती है सेल के अंदर। तो इसकी आपसे अगर मैं पूछूं इसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट किसने किया, तो आप कहेंगे सर इस स्पर्म के एक्रोसोम में पड़े हुए लाइसोसोमल एंजाइम्स ने। अगर आपको उन एंजाइम्स के नाम याद करने हैं तो आप नाम याद कर लीजिए। एक एंजाइम है जिसका नाम हेयालुरानिडेज है, हेयालुरानिडेज है, ये पहला एंजाइम है, और नाम देख लीजिए। दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। ये देखिए दो हो गया, हेयालुरानिडेज है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, और एक एंजाइम है जिसका नाम एक्रोसिन है। ये तीनों एंजाइम्स हैं जो यहां पर पड़े हुए हैं, ये तीनों एंजाइम्स यहां पर पड़े हुए हैं जो ओपन की वाल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक और देखिए, अगला देखिए इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसका अगला फंक्शन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के बाहर का डाइजेशन कर रही है। तो देखिए बोन्स जो होती हैं, बोन्स जो होती हैं उनमें एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। इनमें जो लाइसोसोम्स, अगर आप फिगर इसे देख लें तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे फिगर है, ये बोन्स है, इसमें यहां पर क्या भरा हुआ है, ये ऐसे देख लीजिए कैल्शियम भरा हुआ है, इस जगह पर कैल्शियम भरा हुआ है। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगी, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कहाँ कम हो जाएगा, जब ब्लड में कम हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इस लोकेशन में यहां पर लाइसोसोम सिक्रीट करेंगे, सेल के बाहर करेंगे। इन लाइसोसोम्स के कारण क्या होगा, कैल्शियम जो है डिजॉल्व हो जाएगा, कैल्शियम डिजॉल्व हो जाएगा, और ये डिजॉल्व हुआ कैल्शियम सेल के बाहर आएगा, और इस तरह से आप देखें इस डिजॉल्व हुए कैल्शियम कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कैल्शियम डिजॉल्व हुआ, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कहां पर, ब्लड में। तो ये सेल के बाहर हो रहा है इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लास्ट फिगर का लास्ट कमेंट,
मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। ये आप देखिए मेटामॉर्फोसिस में कैसे मदद करता है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपको पता होगा कि एम्फीबियंस में एक लार्वा पाया जाता है जिसका नाम टैडपोल लार्वा है। टैडपोल लार्वा है, टैडपोल लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है मतलब मेढक बन जाता है तो इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो होता यह है कि इसकी टेल डाइजेस्ट हो जाती है और इससे इसका पैर बनता है एडल्ट का। तो इसकी टेल का डाइजेशन कौन करता होगा और फीड कौन बनाता होगा? इसकी टेल का डाइजेशन जो है लाइसोसोम्स करते हैं। ये जो है इसकी टेल का डाइजेशन लाइसोसोम्स कहते हैं। हम जब पैदा होते हैं देखिए और भी एग्जांपल इसके, ये ऑटोफेगोसोम्स का एक पहला एग्जांपल हो गया मेटामॉर्फोसिस। दूसरा देखिए, इसका दूसरा हो गया एग्जांपल इरप्शन ऑफ टीथ। हमारे जब दांत निकलते हैं तो ये हमारे मशरूमों को डाइजेस्ट कर देता है, इरप्शन ऑफ टीथ उसमें मदद करता है। तीसरा देखिए, हमारी बॉडी जब पैदा होते हैं, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में कार्टिलेज होता है, इस कार्टिलेज को डाइजेस्ट करके ये बोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए, और देखिए अनवांटेड ऑर्गन्स को खत्म कर देता है। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और अनवांटेड ऑर्गन्स हैं बन रहे हैं तो उनको ये डाइजेस्ट कर देता है। किस कंडीशन में? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अगर आपको 6 उंगली है, आपकी 3 आंखें हैं, तो आप जान लीजिए अगर आपको 6 उंगलियां हैं तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका जो लाइसोसोम है वो आपको धोखा दे गया है। क्योंकि इसका काम है कि अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन बन रहा है, 6 उंगली बन रही है, 3 आंख बन रही है, 5 पैर बन रहे हैं, तो जो अनवांटेड ऑर्गन है उनको ये डाइजेस्ट करते खत्म करते उनको। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऋतिक रोशन को कितनी उंगलियां हैं? 6 उंगलियां हैं। क्यों 6 उंगलियां हैं? क्योंकि ऋतिक रोशन का जो लाइसोसोम है उसे क्या कर गया? धोखा दे गया। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हैं, 8 उंगलियां, 10 उंगलियां, 5 पैर, 10 सिर बन रहे हैं, रावण क्या उसको 10 सिर क्यों हो गए? रावण को 10 सिर क्यों थे? क्योंकि रावण को लाइसोसोम क्या कर गया? बोलो क्या कर गया? धोखा दे गया। यह है कॉन्सेप्ट।